आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कि पदार्थ की यानी सब्सटेंस की केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो केमिकल रिएक्शन भी नहीं करते आपस में सब्सटेंस। यानी कि जैसे कि पानी है, पानी को हमने फ्रीज कर दिया और आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। कोई मतलब पानी में जो मॉलिक्यूल H2O था, वही पानी का मॉलिक्यूल बर्फ बन जाएगी तब भी H2O के फॉर्म में ही रहेगा, यानी फिजिकल स्टेट में सिर्फ चेंज हुआ। तो इसको हम फिजिकल चेंज कह रहे हैं कि वो सॉलिड पानी था, जम गया, लिक्विड था, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। पानी को हम उबाल देंगे तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन भाप के मॉलिक्यूल में भी जो पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा जो पानी का था। ठीक है, भाप को हम कंडेंस्ड करेंगे फिर से पानी बन जाएगा, बर्फ को हम पिघलाएंगे तो फिर से पानी बन जाएगी। मतलब ये इंटरस्टेट चेंज हो गया लेकिन कोई नई चीज नहीं बनी उसमें, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। यानी कि पानी का जमना या पानी का एवेपोराइजेशन होना या वेपर से पानी में फिर से कन्वर्ट होना यानी कंडेंसेशन होना, या पानी से फ्रीज होना यानी मेल्टिंग में फ्रीज होना, तो ये सारा, या आइस का मेल्ट होना, ये सारे चेंजेस काय की श्रेणी में आएंगे? फिजिकल चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल फिजिकल स्टेट ऑफ द, जैसे पानी का हमने एग्जांपल, केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे मक्खन है, मक्खन को हमने थोड़ा सा गर्म किया पिघल जाएगा, ठंडा किया फिर से जम जाएगा, नो चेंज। हाँ, अगर हम उसको बहुत देर तक ऐसे गर्म करते रहेंगे वो अलग चीज़ है, बट अगर पिघलाने की बात करें, जैसे घी है, घी को हल्का सा गर्म किया पिघल जाएगा, लिक्विड टाइप का हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा वो फिर से जम जाएगा। तो देयर इज नो केमिकल चेंज, वहाँ पे केवल फिजिकल चेंज हुआ। तो समझ गए होंगे आप फिजिकल चेंज, जैसे हमने कोई फल है, कोई सब्जी है, चाकू से काट दी, तो चाकू से काट दी तो वो उसमें कोई केमिकल चेंज कुछ नहीं हुआ। आप मतलब एक, जैसे आपको एक एप्पल दिया गया, आप एक पूरा एप्पल खा लो और आप उस एप्पल को चाकू से टुकड़े काट काट के खाओ, आपको उसके टेस्ट में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आया। मतलब क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुई। वो एक पहले क्या था, पूरा गोल, एक गोला जैसा दिख रहा था, आपने उसको काट करके बस टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। हालांकि यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने काटा, क्योंकि फिजिकल चेंज में एक पॉइंट ये भी है कि फिजिकल चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स मतलब हम उनको उल्टा सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि सेव तो कट गया, अब हम इसको उल्टा तो नहीं कर सकते कि फिर से हम जोड़ दें तो ये केमिकल चेंज हो गया? ना, ये फिर भी फिजिकल चेंज ही रहेगा। जैसे हमने कागज लिया और कागज को फाड़ दिया और टुकड़े कर दिए, फिर भले आप उस कागज को दोबारा जोड़ करके बड़ा नहीं कर सकते हो, फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। आपने किसी का कपड़ा फाड़ दिया, दैट इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन वहीं पे आपने कागज को जला दिया तो वो क्या हो गया? वो केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि जलने के बाद वो क्या हो गया? लाइट प्रोड्यूस कर देगा, CO2 प्रोड्यूस कर देगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस कर देगा, तो आप फिर से ये सारी चीजों को इकट्ठा करके कागज नहीं बना सकते। इसलिए कागज का जलना क्या हुआ? दैट इज केमिकल चेंज। कागज का फाड़ करके फेंकना, दैट इज ए फिजिकल चेंज। किसी का कपड़ा आपने फाड़ दिया, दैट इज ए फिजिकल चेंज। किसी का कपड़ा आपने लेकर के जला दिया, दैट इज ए केमिकल चेंज। बैग्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आप सिद्ध करिए कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट ए केमिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वैक्स का मेल्ट होना इज नॉट ए केमिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। वैक्स का मेल्ट होना केमिकल चेंज क्यों नहीं है? जैसे हमने अभी आपको बताया, मक्खन को पिघलाया, पिघल जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वो फिर से जम जाएगा।
और फिर से उसी फिजिकल स्टेट में आ जाएगा, यानी सॉलिड फिजिकल स्टेट में आ जाएगा। वही हाल मोम का है, मोम का थोड़ा सा आप गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, और जैसे ही वो ठंडा होगा फिर से सॉलिड वैक्स में बदल जाएगा, यानी सॉलिड वैक्स गर्म करने पर लिक्विड वैक्स में, और लिक्विड वैक्स गर्म करने पर मतलब ठंडा होने पर सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसमें क्या चेंज हो रहा है, केवल फिजिकल स्टेट में ही तो चेंज हो रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन मोमबत्ती में आप क्या करते हो, मोमबत्ती में आप जला देते हो, आग लगा देते हो, है ना। जब जला देते हो तो जलने के बाद क्या होता है, काला काला उसमें से धुआं निकल जाता है बाहर, यानी CO2, वाटर वेपर्स भी निकलती हैं, और मोम जल जाता है, यानी वैक्स जल जाता है। जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो वैक्स जल रहा है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल मीन्स सॉरी मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि भाई ये इसको सिद्ध करिए आप, या ये तो आपसे पूछा गया कि ये फिजिकल चेंज है सिद्ध करिए, ये केमिकल चेंज है सिद्ध करिए, तो आपको बस यही बताना है कि ये फिजिकल चेंज है तो क्यों है, केमिकल चेंज है तो क्यों है। अगर फिजिकल चेंज है तो इसका मतलब इसकी केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई नया चेंज नहीं हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। कोई भी फिजिकल चेंज, आपको XYZ दे दिया है, कपड़े का फाड़ना फिजिकल चेंज है सिद्ध करो, ठीक है, सेब का काटना फिजिकल चेंज है सिद्ध करो, पेड़ों का काटना फिजिकल चेंज है सिद्ध करो, इस तरह से ऐसे कोई पूछ दिया जाए, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, आपने केवल उसके टुकड़े कर दिए, इसीलिए दिस इज अ फिजिकल चेंज। बट हाँ, यहाँ पे वो वाला पॉइंट लागू नहीं हो रहा है कि जिसमें आपने पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, बट ज्यादातर रिवर्सिबल हो जाते हैं। जैसे बर्फ को पिघलाया तो वो पानी बन गया, पानी को ठंडा किया तो वो बर्फ बन गया, तो ये कैसा है, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो आपको समझ में आया होगा फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में ये होता है कि दो सब्सटेंस आपस में, या तीन सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, या एक ही सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है और नया सब्सटेंस बनता है। या तो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे, या एक ही सब्सटेंस टूट करके नए सब्सटेंस में बदल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के क्या होता है, केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट है वो किसी ना किसी दूसरे तरीके के कंपाउंड में बदल जाता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। जैसे आपने कागज लिया, कागज को जला दिया तो लाइट लाइट बनी, CO2 निकली, वाटर वेपर्स निकली, तो नया सब सारी चीजें नई बनी कागज से, ठीक है। कागज में क्या था, C6H12O6 इसी से बना है ना कागज, किससे बनता है, पेड़ के उससे बनता है, तो इसमें होगा क्या, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होंगे, कागज पेड़ों से बनाया जाता है ना। तो ये जल गया, अब जलने के बाद इसमें CO2H2O वाटर वेपर निकल गया और लाइट भी प्रोड्यूस हो गई। अब आप लाइट आइट को मिला करके कागज नहीं बना सकते। वैक्स जल गया, जलने के बाद CO2 में कन्वर्ट हो गया, उसमें से वाटर वेपर्स निकल गई। अब आप उसको, क्या वाटर वेपर को और CO2 को वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब दैट इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आयरन को और सल्फर को, हमने आयरन फिलिंग और सल्फर को मिला करके रखा, तो दैट इज फिजिकल चेंज। लेकिन आयरन फिलिंग और सल्फर को मिला करके गर्म कर दिया, दैट इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। दोनों को मिला करके सिंपली रख दिया है, तो हम उसके ऊपर अगर जैसे ही ऐसे मैग्नेट घुमाएंगे तो उसमें से आयरन आकर के मैग्नेट में चिपक जाएगा, तो सल्फर अलग हो जाएगा, मैग्नेट अलग हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं कि फिजिकल मेथड, जो फिजिकल चेंज है उसमें जो कंपोनेंट है उनको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आयरन फिलिंग और सल्फर को हम ऐसे हमने मैग्नेट घुमाया तो वो अलग हो गया, लेकिन केमिकल मेथड में क्या, या केमिकल चेंज में हम कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने आयरन को और सल्फर को हीट कर दिया, तो हीट करने पर वो FeS में कन्वर्ट हो गया, दूसरा एक नया कंपाउंड बन गया। अब वो ना आयरन रहा ना वो सल्फर रहा, तो जो नया कंपाउंड बना वो बना FeS। अब उसमें ना तो आयरन की प्रॉपर्टी होंगी ना सल्फर की प्रॉपर्टी होंगी, तो मैग्नेट उसके पास ले जाओगे तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, इवन उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कलर याद रखिए, जो सल्फर होता है रूम टेम्परेचर पर येलो होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है, लेकिन जब आप दोनों को मिलाकर के गर्म कर देते हो सल्फर और आयरन को, तो FeS बनता है ग्रे ब्लैक कलर का सब्सटेंस, और सॉलिड सब्सटेंस बनता है, और जो मैग्नेट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, और उसमें से आप आयरन और सल्फर को मैग्नेट घुमा के अलग भी नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द केमिकल चेंज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या क्या हो गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में,
और केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनते हैं, फिजिकल चेंज में क्या होता है जो कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टी रहती हैं वो चेंज के बाद भी रहती हैं, जैसे पानी के मॉलिक्यूल का बताया था, या फिजिकल चेंज हमने बताया कि आपने आयरन और सल्फर को पीसा और मिला दिया, मिलाने के बाद भी वो आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा और सल्फर सल्फर की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हुआ, जब आपने आयरन सल्फर को मिला करके हीट कर दिया, हीट करने के बाद क्या हुआ, वो एकदम नए प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे और आयरन की प्रॉपर्टी भी नहीं शो करेंगे, सल्फर की प्रॉपर्टी भी नहीं शो करेंगे। फिर आपने क्या देखा कि जब आपने आयरन सल्फर को निकाला था तो आपने ऐसे मैग्नेट घुमाया तो आयरन बाहर आ गया, सल्फर नीचे रह गया, यानी फिजिकल चेंज में आपने उनको रिवर्स कर लिया, आयरन को अलग कर लिया, सल्फर को अलग कर लिया, ठीक है, तो रिवर्स हो गया, बर्फ को पिघला दिया आपने, पानी बन गया, पानी को जमा दिया, बर्फ बन गया, यानी जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्स हो सकते हैं लेकिन केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होंगे। आपने आयरन और सल्फर को हीट करके FeS बना दिया, अब आप FeS को ठंडा करके आयरन और सल्फर नहीं बना सकते, यानी जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। और केमिकल सब्सटेंस में नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल में नया नहीं बनता है, केमिकल में केमिकल रिएक्शन होती है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन और फिजिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब आप इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी लिख लीजिए। ये मैंने पढ़ाया क्यों है, वैसे तो ऐसे जो CBSE से सिलेबस आया वहाँ पर नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है आपके कोर्स में जो मैंने आपको करवाया है, तो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ से मिक्स करके पूछ दिए जाएँ तो आप उनको बता नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया आपको। वैसे आपका सिलेबस पूरा हो चुका है जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आइए फिजिकल चेंज। ए फिजिकल चेंज इज डिफाइंड एज ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज, केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, व्हाइल इट्स केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं फिजिकल चेंज के। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, और क्या बताया था आपको, टियरिंग ऑफ, क्या, पेपर एंड क्लॉथ, ये दोनों ही क्या हो गए, फिजिकल चेंज हो गए। देन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। देन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन
कंडेंसेशन ऑफ वाटर। देन क्या था एक अभी आपने किया था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, देन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे हमने कहा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए या शुगर के क्रिस्टल बनाए, तो क्रिस्टलाइजेशन में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। देन मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, यानी अगर हमने आयरन को मैग्नेट बनाया या मैग्नेट को सिंपल आयरन में कन्वर्ट किया, तब भी उसमें केवल अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ चेंज नहीं होता, केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। देन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेट, देन मेकिंग ऑफ सोडा वाटर, बाई डिसोल्यूशन ऑफ CO2, क्योंकि आप हिलाते हो तो CO2 फिर वैसे के वैसे बाहर आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, देन स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बेंच, ठीक है। चलिए अब केमिकल चेंज के बारे में लिखते हैं। लिख लिया बेटा? A chemical change is the change in which chemical composition and chemical properties chemical properties of the substance get change, उसको हम chemical change कहते हैं, ठीक है। And these changes are permanent, यानी जैसे बर्फ पिघली, पानी हो गया, पानी जमा बर्फ हो गया, तो वो परमानेंट चेंज नहीं था। यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंट हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल चेंजेस के मतलब लिख लेते हैं, कर तो चुके हैं डिस्कस।
तो सबसे पहला क्या बताया था, बर्निंग ऑफ पेपर है ना, एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। उधर एक और बढ़ा लीजिए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी लिख लीजिए फिजिकल चेंज में, है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल, देन हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर मिक्सचर, देन रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है। देन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, यहाँ भी केमिकल चेंज हो गया। देन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ कार्बन टू गिव CO2, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, देन रेस्पिरेशन, ये सभी क्या है, ये केमिकल चेंज है। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पक जाता है तो उसका थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज हो जाता है। देन सीमेंट का जब पानी में मिलाकर के घोल लगाते हैं ना, बनाते हैं जो हम मकान वगैरह बनाते हैं, तो हार्डनिंग ऑफ मोर्टार, इट इज ए केमिकल चेंज। तो बहुत सारे, चलिए केमिकल चेंजेस आपने लिख लिए हैं। चलिए एक और लिख लीजिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी केमिकल चेंज है। देन डिके ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज का सड़ जाना। चलिए बच्चों, साथ के साथ हम लोग ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए मेन डिफरेंस क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में। फिजिकल चेंज जो होते हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, यानी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, आर चेंज, बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, कोई अंतर नहीं आता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, इन्हें केमिकल चेंज द केमिकल सब्सटेंस एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, है ना। थोड़ा एक और शब्द बढ़ा दीजिए, केमिकल, इन्हें केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, ठीक है। देन नेक्स्ट है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, जब भी फिजिकल चेंज होता है कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन ए केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हीट का कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं होती है, थोड़ा बहुत साउंड या हीट का थोड़ा बहुत, बिल्कुल माइन्यूट। लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा, केमिकल चेंज बिना हीट रिलीज या बिना हीट एब्जॉर्ब के नहीं होगा, या तो उसमें हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। जैसे आपने कागज को जलाया, आपने कपड़े को जलाया, हीट खूब सारी रिलीज हुई, तो बिना इसके नहीं होगा एनर्जी के, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी, ठीक है, चेंज
जबकि केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। फिर द नेक्स्ट है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिगेन्ड बाई फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी उसी ओरिजिनल सब्सटेंस के फॉर्म को रिगेन कर सकते हैं, लेकिन इन द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिगेन्ड बाई सिंपल मेथड। इन केमिकल चेंज में हम ओरिजिनल सब्सटेंस को रिगेन नहीं कर सकते सिंपल मेथड के द्वारा, हमें कहीं ना कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट है, ए फिजिकल का चेंज इज रिवर्सिबल। एक फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है, लेकिन ए केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होता है वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है, यानी बैक नहीं कर सकते हम। जैसे हमने दूध से दही बना दिया, अब हम चाहें कि दही को फिर से दूध में कन्वर्ट कर दें तो नहीं कर सकते, क्योंकि दूध से जब दही बन गया तो दैट इज ए केमिकल चेंज।